तो क्या था कल? मैंने भी 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर दी 9 बजे। मैंने सोचा कि कोरोना के टाइम भी 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर की गई थी कुछ टाइम के लिए, तो मुझे लगा कि कोरोना भाग गया होगा, तो इसी तरह मुझे लगा कि बेरोजगारी भी भाग जाएगी। खैर, कोरोना महामारी और बढ़ी, केस और बढ़ते जा रहे हैं, तो भगवान से दुआ करता हूँ कि बेरोजगारी ना बढ़े। केस बढ़ गए ठीक बात है वो, लेकिन बेरोजगारी ना बढ़े तो अच्छी बात है। मुझे 35 लाख हम लोगों ने ट्वीट किए तब कोई नहीं जागा, समझ रहे हैं? मतलब एक तरह से मीडिया के हाल आप सोचिए, 35 लाख ट्वीट किए तब कोई नहीं जागा। मध्य प्रदेश में आपने देखा है लाठी चार्ज हुई, किसी ने नहीं देखा। मध्य प्रदेश में जब युवाओं पर, छात्रों पर लाठी चार्ज हुई, किसी ने नहीं देखा। मध्य प्रदेश में छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उस टाइम किसी ने नहीं देखा। छात्रों को जब गिरफ्तार किया गया उस टाइम किसी ने नहीं देखा। रिया गिरफ्तार हुई, सबने देखा। हमने थाली बजाई, किसी ने नहीं देखा। हमने लाइट बंद की, किसी ने नहीं देखा। इससे बुरी या तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात कर लीजिए, इससे मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा स्तर तक और नीचे स्तर तक कोई मीडिया गिर सकती है। कि मतलब एक तरफ आप देखिए कि छात्रों पर लाठी चली, उसे किसी ने नहीं देखा। कंगना रनौत की यहाँ जीसीबी चली, उसे उसे सबने देख लिया। ठीक है, वो अपना पर्सनल मुद्दा है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ना हम लोगों को उससे मतलब है कुछ, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन हकीकत ये है, हकीकत ये बन चुकी है कि आप खुद सोचिए, मतलब युवाओं के लिए मुझे लगता है कि टाइम ही नहीं है। क्या करना है? संजय राउत ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, उनने उनके ऊपर क्या बोला है, उनने उनके ऊपर, हम लोगों की बस इतनी ही मांग है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बस इतना ही दे दीजिए, काफी है। थाली बजाते रहे, लगा कि जागेंगे लोग, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी कहना हो आप लोगों को, दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया है। छात्र बेचारे लगे रहते हैं, शायद ये लोग फील भी नहीं कर सकते हैं। क्या फील भी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये उस स्थिति से कभी मुझे लगता है कि गुजरेंगे नहीं, समझ रहे हैं आप? क्या बोला जाए इस मामले में? एक छात्र की स्थिति कभी मुझे लगता है कोई नेता नहीं समझ पाएगा। कोई भी मोदी जी भले कुछ भी कहते रहे, मामा जी कुछ भी कहते रहे, कोई भी स्टेट कुछ भी कहते रहे, लेकिन स्टूडेंटों की स्थिति कभी नहीं समझ सकते हैं। उनके जो भी वो जिंदगी जीते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, उसे कभी अपने आप को उस जगह रखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है। तैयारी कर रहा होता है एग्जाम की तैयारी, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, वो किस तरह से रहता है, किस तरह से खाना खाता है और किस परिवार से आता है। शायद मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कभी फील कर पाएंगे। मीडिया को एक मुद्दा चाहिए। अभी मैं देख रहा था किसी भी मीडिया को, आप लोग किसी को भी, आप लोग वैसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फिर चाहे आप लोग एबीपी पर देख सकते हैं, एबीपी न्यूज को देख लीजिए आप लोग, ठीक है? मैं नहीं, किसी की भी बात कर रहा हूं। देखिए कंगना के अवार्ड अवार्ड वापसी गैंग और फैन देख रहे हैं, मतलब आप सोचिए, कहीं आपको अगर कोई जीडीपी के मामले में बताया जा रहा हो, या फिर बताया जा रहा हो कि देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, बिहार में बाढ़ आई हुई, बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, वहां की स्थिति हो या फिर कहीं की स्थिति हो, चाहे फिर आप यूट्यूब पर ले लीजिए, आप कहीं की भी कोई भी न्यूज ले लीजिए उठा के, सब जगह आपको इस तरह की, मतलब आप सोचिए, वो एक तरह से वो मसाला दिया जाएगा जो, एक तो उन्हें शर्म की बात नहीं है, हम लोगों को भी शर्म करना चाहिए। हम लोग भी वो मसाला चाहते हैं कि जो जिसमें हमें बड़ा मजा आता हो। रोजगार बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। देखिए 3,000 लोग, चलिए सुबह हम लोग बात कर रहे हैं, सुबह से 3,000 लोग कम से कम बैठ के यहाँ तमाशा देखने लगे हैं, ये जो चल रहा है पूरा देखिए आप लोग। कभी आप लोगों को कहीं भी अगर देखिए बेरोजगारी का मुद्दा या कोई और मुद्दा जो जरूरी हो, देखिए देख लीजिए पूर्व, या तो बिहार का अभी चुनाव इसलिए, या पूरा, मुझे नहीं लगता है कि इससे बुरा पूरा
भारत के लिए कोई दिन आएगा। क्या बोला जाए, कुछ है भी नहीं तो शब्द कि हर तरह से कर्म तो कर चुके हम लोग, हर तरह से प्रयत्न कर चुके हैं, फिर भी दूर दूर तक कोई आशा भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि गरीब भूख से मरे तो उसे कोई नहीं देखने जा रहा है, और अगर अमीर को अगर बुखार भी आ जाए तो वो भी, उसके लिए आप देखते हैं नेता वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। अपने क्षेत्रों को, क्षेत्रीय के जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, उन्हें तो देखा होगा कि उन्हें कोरोना हुआ तो उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट लिया, बेहतर स्थिति में गए, बेहतर हॉस्पिटल, लेकिन आपको हुआ तो आपको उसमें भेजा गया जहां कोई सुविधा नहीं थी। अब तो ऊपर वाले से ही दुआ, यहाँ नीचे वालों पर तो भरोसा रहा नहीं, ऊपर वालों पर भरोसा हो तो करिए, उन्हीं से दुआ करिए कि कुछ अच्छा करे, वरना दूर दूर तक कुछ नहीं, निराशा है हाथ में। और हाँ, जो कहा है 15 दिसंबर की डेट दे दी गई है एक रेलवे के लिए, फिर चाहे आपका एमपी का हो, जो भी मिला हो, उसके लिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि ये टाल दें, फिर से टाल दें, हो सकता है कि ये चुनाव के, अभी देख रहे हैं चुनाव है इसलिए मुद्दा बनाए हुए, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। और यही बस, वो क्या कर सकते हैं बताइए, कोई भी मुद्दा देख लीजिए, मतलब युवा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, जीडीपी के बारे में बात करनी चाहिए, हमारे सैनिकों के बारे में बात करनी चाहिए, किसानों के बारे में बात करनी चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए देश में, तब जाके आप पावरफुल कंट्री बन पाएंगे और आप सोचिए सक्सेस बन पाएंगे हम लोग। आप सोचें, देखिए इनसे वोट बैंक तो इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। केरल का कहा जाता है, केरल में कि जब अन्य राज्यों में इस तरह की मिर्च मसाले वाले जो भी धर्म जाति या इस नंबर इस पर वोट पड़ रहे थे, तो उस समय केरल में आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, महिलाओं की स्थिति, इनको मुद्दा बनाकर वोट बैंक किया जा रहा था, मतलब राजनीति की जा रही थी। तो आप आज आप केरल को देखते हैं, हर मामले में आप देखिए केरल आगे है, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य की स्थिति के मामले में, आप लोग देखिए लिंगानुपात में देख लीजिए आप लोग, वहीं दूसरी तरफ आप बिहार को देख लीजिए, बिहार में किस तरह की राजनीति हो सकती है, आपको फर्क मालूम चल जाएगा। ठीक है, एक तरफ अभी दिल्ली काफी अच्छा किया है दिल्ली ने, स्टूडेंट देखिए, हम लोगों लोगों को ना बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस से, ना आप पार्टी से, बस जो काम कर रहा है उसकी बता रहा हूँ। तो दिल्ली की स्थिति ठीक रही है, इस बार रिजल्ट आया हुआ है, सरकारी स्कूलों का स्कोर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है, आप ये व्यवस्था देख सकते हैं। खैर, लगे रहिए, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास। मुझे नहीं लगता है कि ये गरीबी से कभी नेता आते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने गरीबी देखी होती तो शायद ये हालत कभी ना होती। एक तरफ बच्चे आप बताते हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब मामा ने मामा से नौकरी मांगने गई तो बेटी मतलब भांजियों पर डंडे चलवाओ, गिरफ्तार करवाओ। रिया गिरफ्तार हुई तो पूरी दुनिया ने जान लिया, कंगना की मतलब आप सोचिए, उस पर जीसीबी चली तो दुनिया ने जान लिया, हमारे छात्र जब गिरफ्तार हुए तो किसी ने नहीं जाना, उन पर लाठी चली किसी ने नहीं देखा। हमें ये मतलब नहीं है कि उनसे उन पर क्यों चली, ठीक है उनका अपना पर्सनल मुद्दा है, उस पर वो अपना करें, लेकिन सरकार ने सिक्योरिटी दे दी, बेहतर सिक्योरिटी, कहां से पैसा आएगा, जनता भरेगी, बेरोजगार भरेंगे, गरीब भरेंगे, और हमारे लिए सिक्योरिटी की छोड़िए, उन्हीं से डंडा बरसवाएगा, सिक्योरिटी से सुरक्षा देने की बात दूर दूर तक नहीं रही है। क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले से भी नहीं डरते हैं ये लोग, ऊपर वाले कुछ करना है इनका उद्धार, अब उन्हीं से दुआ कर सकते हैं हम लोग कि यहां तो उनकी चलती है, शायद वहां ऊपर आपकी चलती हो, तो आप देख लेना इनको। ठीक है, लगे रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इन पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता है। एक गिरगिट की बात करते हैं ना, एक गिरगिट होता है जो रंग बदलता है हर समय, उसके बारे में गलत बोलते हैं हम लोग, उनसे ज्यादा तो आज का इंसान भी रंग बदलने लगा है। इनके कभी भाषण सुनिए, अगर कभी आपको टाइम नहीं निकल रहा हो तब आप लोग न्यूज पेपर देखा करिए, न्यूज इस तरह की, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पास के एक तरह से जरिया बन चुके, कांगड़े की तरह एक आप देखिए बन चुके हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे मीडिया को, अब आपको दूर दूर तक इसके जो कर्तव्य थे उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक
ठीक है, अपना काम करते रहिए, किसी के भरोसे मत रहिएगा, ठीक।